अनलॉक होने के बाद बाजार ही नहीं खुला है बल्कि चोर भी अपने काम में जुट गए हैं। लेकिन गाजीपुर पुलिस है कि चोरों को उनका काम ही नहीं करने दे रही। शुक्रवार देर रात गाजीपुर पुलिस ने एक बार फिर चोरों के मंसूबे को न केवल तार तार कर दिया बल्कि चार चोर भी पकड़ लिए। ये सफलता खानपुर थाना पुलिस और स्वॉट टीम के हिस्से आई। पुलिस के मुताबिक ये बाइक चोरों का गिरोह था। इनके पास से 8 बाइक और 1 तमंचा भी बरामद हुआ है। आइए पहले गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह से इस पूरे मामले को जानते हैं। जनपद गाजीपुर के खानपुर थाना अंतर्गत से एक मोबाइल चोरी हो गया था, तो स्वॉट टीम ने और खानपुर के थानाध्यक्ष की संयुक्त टीम ने इस मोबाइल की रिकवरी के दौरान चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनको पूछताछ जब की गई तो पता चला कि ये वाहन चोरी और लूटपाट की घटनाएं करते हैं। इनके निशानदेही पे इनसे 8 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद की गई हैं, जो 2 जनपद गाजीपुर के सैदपुर और खानपुर थाना क्षेत्र की हैं, 2 जनपद वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र की हैं। शेष 4 गाड़ियां अभी कलेक्ट की जानी जा रही हैं, कलेक्ट नहीं हो पाई हैं कि किस कहां से चोरी हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको कनेक्ट करके उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। ये लोग शादी विवाह के अवसर पर डुप्लीकेट चाबियों से मोटरसाइकिल टाक लगा करके, घात लगा करके चोरी कर लेते थे और मोटरसाइकिलों को ले जा करके बिहार राज्य में बेचते थे। कुछ मोटरसाइकिलें अपने पास ये अन्य आपराधिक घटनाओं के लिए भी रखते थे। इसी क्रम में इनसे 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इनके आपराधिक इतिहास भी हैं। हम इन्वेस्टिगेशन करके इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारी संयुक्त टीम ने जो अच्छी सफलता हासिल की है उसके लिए इनको उत्साहवर्धन हित 10,000 रुपये के कैश रिवार्ड से नवाजा जाए। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक खानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक शशिचंद चौधरी शुक्रवार की देर रात करीब 3 बजे अपने साथियों के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान प्रभारी स्वॉट श्याम जी यादव भी टीम के साथ वहां पहुंच गए। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बाइक चोर आ रहे हैं। पुलिस टीम ने शादी भादी तिराहा पर वाहन चेकिंग शुरू कर दी। इस बीच बाइक सवार 4 लोग आते दिखाई दिए। जैसे ही पुलिस ने रुकने का इशारा किया बाइक सवार भागने लगे, लेकिन पुलिस की घेरेबंदी के आगे उनकी एक न चली, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तलाशी लेने पर युवकों के पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ। अभियुक्तों ने अपना नाम बारी गांव निवासी अमन यादव बंगी, गोपालपुर निवासी लव यादव रुद्रा, सवना निवासी संदीप यादव सत्या और सैदपुर थाना क्षेत्र कैथवलिया माहपुर निवासी पिंटू यादव बताया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी चोरी की बाइक को बेचने के लिए वाराणसी जा रहे थे। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर खानपुर, सैदपुर, वाराणसी के चौबेपुर एवं आसपास के जनपदों से चोरी की गई 8 बाइकें बरामद की। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह, गोविंद, कांस्टेबल भाईलाल, राम प्रताप सिंह, आशुतोष सिंह, रोहित, विनय, गुलाबधर पांडे, अनोज सिंह, विनोद यादव, सुरेंद्र यादव आदि शामिल रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।